नमस्कार, मैं शीला मेरी हेल्दी लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पंचामृत गोली बनाएंगे जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस गोली में मैंने जो 5 चीज़ें यूज़ की है वो सभी हमारे शरीर में औषधि का काम करती है। यह गोली कफनाशक तो है ही, लेकिन साथ में पेट के लिए भी उतनी ही लाभदायी है। तो शुरू करते हैं। लिए यहाँ मैंने 10 ग्राम सौंठ पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर लिया है, 10 ग्राम सैदा नमक जिसे रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, 10 ग्राम पिपली पाउडर जो लिंडी पीपर आती है उसे पीसकर मैंने पाउडर किया हुआ है, 10 ग्राम काली मिर्च पाउडर यानी ब्लैक पेपर जो मैंने पीसकर तैयार किया हुआ है, 200 ग्राम मुनक्का ब्लैक ड्राई ग्रेप्स जिसके अंदर से मैंने सभी सीड्स निकाल कर मैश कर उसे तैयार किया हुआ है, इसे मैंने खरल की हेल्प से मैश किया है। आपके पास पत्थर का लिसोटा हो तो और भी आसानी के साथ आप कर सकोगे। अब हमें सभी चीज़ों को आटे की तरह गूंदना है। जितना हम ज़्यादा मिक्स करेंगे गोली आसानी के साथ बनेगी। जैसे आटा करते उसी तरह करते रहेंगे। यहाँ जो गोली हम बना रहे हैं वो जुकाम, खांसी और बुखार के लिए ज़्यादा लाभदायी है। सूखी खांसी, बलगम खांसी में भी वो ज़्यादा लाभ देती है। अब हम छोटी छोटी गोलियाँ बनाएंगे। जैसे बच्चों को देनी है तो और भी छोटी, आप दिन में 2 बार ले रहे हो तो साइज में छोटी रखेंगे, लेकिन आप 1 बार ले रहे हो तो साइज में थोड़ी बड़ी रखेंगे। इस गोली को हमें चूसनी होती है, पानी के साथ नहीं लेनी। पानी आप पीना चाहते हो तो 10 या 15 मिनट के बाद, वो भी नॉर्मल पानी या वार्म वाटर लेना है। फ्रीज का पानी हम अवॉइड करेंगे। गोलियाँ हमारी बन रही है। इस गोली को खाने से पाचन क्रिया पर भी उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, जैसे गैस, कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन, पेट में किसी प्रकार का दर्द है तो भी ले सकते हैं, भूख हमें कम लगती है तो भी ये गोली हमें ज़्यादा लाभ देती है। गोलियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम जब लेते हैं तो आमले के पाउडर के साथ मिक्स कर भी ले सकते हैं, तो और भी चटपटा टेस्ट हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आंवला ऐसे भी हमारे लिए इतना ही लाभदायी है, लेकिन ये ऑप्शनल है। घर पर ये गोली जरूर बनाइए और कैसी लगती है मुझे कमेंट में जरूर लिखें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।